भले ही हनुमान जी सर्वगुण संपन्न अष्ट सिद्धि के प्राप्तकर्ता हैं, लेकिन उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए और दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता हुई थी। इस ब्रह्मांड में हर किसी को, चाहे वो देवता हो या दानव, स्त्री हो या पुरुष, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता तो हर किसी को पड़ती है, और हनुमान जी भी इससे अछूता बिल्कुल नहीं रहे। वैसे तो हनुमान जी ने कई देवताओं से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको उनके सिर्फ एक गुरु के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। जब हनुमान जी बड़े हुए तो एक उनके यहाँ महर्षि नारद पधारे हुए थे। हनुमान जी के पिता ने नारद जी से हनुमान जी की शिक्षा के विषय में बात की। तब नारद जी ने कहा, हनुमान कोई सामान्य बालक तो नहीं है, वो तो रुद्र के अवतार हैं, इसलिए उनका गुरु कोई मनुष्य कदापि नहीं बन सकता। उस समय नारद जी ने हनुमान के पिता वानरराज केसरी को यह सलाह दी कि हनुमान जी को सूर्य देव के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी को सूर्य देव के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया। हनुमान जी बचपन में बहुत चंचल हुआ करते थे, इसलिए इनको शिक्षा के लिए सभी देवों ने विचार किया कि किसे इनका गुरु मनाए ताकि वो हनुमान जी को शिक्षित कर सके, क्योंकि भविष्य में हनुमान जी महाराज से बहुत बड़े बड़े कार्य होने वाले थे, इसीलिए इनके गुरु को भी महान होना चाहिए। इसी कारण वह सूर्य देव को हनुमान जी महाराज का गुरु बनाया गया, जबकि सूर्य कहीं भी रुक नहीं सकते थे, उन्हें गतिमान रहना होता था, क्योंकि अगर सूर्यदेव रुक गए तो पृथ्वी पर रात दिन का अंतर मिट जाएगा। इसीलिए सूर्य जितनी तेज गति से आगे की ओर चलता है, इतनी तेज गति से हनुमान जी महाराज पीछे की ओर उड़कर सूर्य से शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया। सूर्य देवता ने उन्हें 9 विद्याओं में से 5 सिखा दी, लेकिन 4 विद्याओं की बारी जब आई तब सूर्य देव ने हनुमान जी से शादी करने को कहा, क्योंकि इन विद्याओं का ज्ञान विवाहित को ही दिया जा सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल तो यह आ रहा होगा कि हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य हैं। जी हाँ, हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन शादी सिर्फ उन्होंने 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए की थी, और उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी और सुवर्चला की शादी हो गई। सुवर्चला परम तपस्वी थी। शादी के बाद वह तपस्या में लीन हो गई। उधर हनुमान जी अपनी 4 विद्याओं को प्राप्त करने में लग गए। ऐसे में विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं टूटा। तो दोस्तों, आप समझ गए और जान गए कि हनुमान जी के गुरु कौन थे। और एक बात जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे वो यह है कि हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला का एकमात्र मंदिर भारत में कहाँ स्थित है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखिए, और अगर आपको नहीं पता तो कल हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे, उसे आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।